सारे पक गए जिंदगी के कटाव में, मिल रही तन्हाइयाँ उम्र के इस पड़ाव में। आप बीती कौन सुने, है नहीं कोई बर्ताव में, जिसके लिए हम जिए जी रहे अलगाव में। लगा रहे हम मरहम देखो अपने ही घाव में, कुछ अधूरे से ख्वाब थे रह गए हैं ख्वाब में। मंझ गया मन मेरा पूजा पाठ और भाव में, दिखते न साथ कोई मेरे धूप में न छाँव में। नमस्कार, मैं इंदिरा शर्मा आप सभी वरिष्ठ नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है वृद्ध लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें शिष्टाचार की प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन देना। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारे प्रिय विद्यार्थी दर्शील गुप्ता अपने दादाजी के सुविचारों से अवगत करा रहे हैं। कुछ इस तरह खूबसूरत मेरी शान हो गई, कुछ बुजुर्गों से कल जो राम राम मिले, दूर बैठे थे अकेले चाय पीते देखता था जिन्हें, फुर्सत में उन्हीं से वो सलाम हो गई। गंभीर दिखते थे उलझे जो अखबारों में, क्या खूब एक बचपन से पहचान हो गई। चंद लम्हों के बदले जिंदगी का तजुर्बा पा गया, बेश की दुआएं यूं जो मेरे नाम हो गए। नमस्कार, मैं दर्शील गुप्ता आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के शुभ अवसर पर अपने दादाजी की स्नेह इच्छाओं में कुछ जिज्ञासाओं के साथ उपस्थित हूँ। दादाजी नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं जनार्दन प्रसाद गुप्ता भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ, एयरफोर्स में टेक्निकल पोस्ट पर तैनात था। 1971 की लड़ाई में मैं जैसलमेर बॉर्डर पर पोस्टेड था। दादाजी आपकी कितनी संतानें हैं? मेरी 4 संतानें हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। तो आपके बेटे आपके पास रहते हैं कहीं दूर बाहर रहते हैं? बेटा हमसे दूर लखनऊ में रहता है और मैं कानपुर में रहता हूँ। दादाजी आज के समय में आप लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपके समय में लड़कियों की शिक्षा क्या रूप था और आज के समय में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? हमारे समय में लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनको थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके घर के काम काज में मदद करने के लिए ही प्रेरित किया जाता था, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। अब के समय में बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनके माता पिता उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं और वो आगे बढ़ कर के अच्छी अच्छी जगहों पर कार्यरत हो रही हैं और देश का नाम उज्जवल कर रही हैं। दादाजी आज के समय की शिक्षा में और आपके समय की शिक्षा में आपने क्या अंतर देखा है? हमारे समय की शिक्षा और अब की शिक्षा में बहुत अंतर है। इस समय की शिक्षा इतनी महंगी और कठिन हो गई है, इसमें टेक्नोलॉजी और जो है प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। आपके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन होना चाहिए तो वह क्या है? मेरे अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में व्यर्थ का दिखावा नहीं होना चाहिए और जरूरत के अनुसार पढ़ाई कराई जानी चाहिए, जिससे कि अभ्यागतों पर व्यर्थ का दबाव न पड़े। दादाजी इधर कोरोना 2020 पूरी तरीके से कोरोना काल रहा, ऐसे में आपका क्या अनुभव रहा? मेरा मतलब कोरोना काल से आपको क्या सीख मिली, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और घटनाएं हमें काफी कुछ सिखा जाती है। जैसे मैंने तो अंग्रेजी के 5 नए शब्द सीखे, आइसोलेशन, क्वारंटीन, सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना एक ऐसी महामारी आई है जिसने पूरी देश दुनिया को हिलाकर रख दिया है, इसमें तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और तमाम घर अनाथ हो गए हैं। इससे जो है तमाम पैसे वाले लोगों ने भी अपने परिजनों को बचाने में असफल रहे हैं।
इससे हमने यही सीखा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। आज के बच्चों को और युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने कठिन समय में माता पिता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके अपने भविष्य को उज्जवल करें। दादाजी, तो देखा आपने, समाज के लिए अनुभवों का भंडार, अतीत की रूपरेखा और सभी की श्रद्धा के पात्र वरिष्ठ जन। घर के वो बरगद है, पीपल है, छाया है एक बड़े से वृक्ष की, माना उम्र नहीं साथ अब उनके, पर खदान वही है तजुर्बे की, नहीं है माना काम कोई अब, बैठे रहते हैं ताकते हैं वो हमें, कुछ नहीं चाहती नजरें उनकी, बस थोड़ा प्यार ढूंढते हैं हमें, क्यों भूलें, उन्होंने परवरिश में अपनी रातों की नींद भी गवाई थी, जब चलना सीखा था हमने उंगली उन्होंने ही थमाई थी, आज कुछ नहीं देना है बस चुकाना है, उन्हीं का जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जिंदगी की सारी दौलत लुटाई थी। धन्यवाद दर्शी, एक महत्वपूर्ण सीख देने वाला जीवन, संतोषी जीवन, सादगी पूर्ण जीवन, धर्म सम्मत मार्ग पर चलने वाला जीवन, मिलावट बनावट रहित जीवन, सबकी फिक्र करने वाला आत्मीय जीवन। आपके परिवार में जो भी बड़े हैं उन्हें मान सम्मान, आदर, अपनापन, प्यार एवं समय दीजिए। धन्यवाद।